अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मकसूद अहमद और आप देख रहे हैं मोना इन्फो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी दोस्त अज़ीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन की पिक्चर से फ़ोटो सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, या किसी तरह से भी कोई कहता है यार मेरा फलां जो है डॉक्यूमेंट उसकी फ़ोटो बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, तो वो सेंड करते हैं, उस कैमरे की वजह से वो धुंधला सा नज़र आता है, इतना अच्छा नहीं, क्लियर नज़र नहीं आता। तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट इस पे आप फ़ोटो पे स्कैन करेंगे तो आप जैसे कैप्चर करेंगे वो जितनी भी धुंधली फ़ोटो होगी, जितनी भी ख़राब होगी, उसको ये एकदम से क्लियर हो जाएगी ये फ़ोटो। आप इस वीडियो में आप लोगों को तफसीलात के साथ दिखाता हूँ, कैमरा ओपन करके आप लोगों के सामने मैं अभी ये दिखा भी देता हूँ, आप देखते रहिए तफसीलात के साथ। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये एक डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसको आप लोगों के सामने पिक्चर इसकी बनाने लगा हूँ। अभी जो पिक्चर बन रही है ये देख सकते हैं, मैंने इसको कैमरा के सामने रखा है, इसको मैंने अभी कैप्चर किया है, तो ये इस तरह से आई है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये फ़ोटो आई है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ इसकी, यहाँ पे ये अभी देख रहे हैं जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है हॉस्पिटल लाहौर, सर्विस हॉस्पिटल लाहौर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी सेटिंग भी कर सकता हूँ जितना मैंने मुझे चाहिए हो, यानी कि मुझे अगर इतना चाहिए तो मैं यहाँ से इतना ही कर दूँगा इसको। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे अगर नहीं तो मैं अगर पूरा भी चाहिए हो तो पूरा यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है कितना मुझे चाहिए, वरना ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा धुंधला नज़र आ रहा है, अब मैं इसको टिक करता हूँ तो दोस्तों अब देखिएगा ये कितना क्लियर हो गया, बिल्कुल अब जो लफ्ज़ पहले नज़र नहीं आ रहे थे अब वो कितना क्लियर हो रहे हैं, कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप PDF फाइल में भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि किसी को आपने ईमेल करनी है, बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ईमेल करने हैं, तो आप लोगों को किसी कंप्यूटर वाले के पास, किसी स्कैनर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का स्कैनर ही है मोबाइल फ़ोन में, आप लोगों को दिखा देता हूँ आप किस तरीके से इस स्कैनर को यूज़ कर सकेंगे। ये आप अपने कैमरे में से इसको देखिएगा, अब जो पहले ये पिक्चर थी, अब मैं बैक पे जाकर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये किस तरीके से पहले पिक्चर थी, ये देखिएगा पहले। अब ये दोबारा से मैं आप लोगों को स्कैन करके दोबारा से भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा अभी मैं दोबारा से कैप्चर करने लगा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैंने कैप्चर की है कैमरा के सामने, अभी देख लें ये इंतहाई ज़्यादा धुंधली है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी इसको मैं जैसे ही टिक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा अब ये कितना क्लियर हो गई है, पहले से कई दर्जे बेहतर हो गई है पिक्चर, यानी कि बिल्कुल साफ लफ्ज़ आना नज़र शुरू हो गए। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने ही आप अपनी एक फ़ोटो क्लियर करें, आप इसको अपने अगर फ़ोन में भी हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके, अब यहाँ पे जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के जो स्मार्टफोन में पिक्चर होगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक पिक्चर है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब ये ऑटोमेटिकली दायरा इतना लग गया कि इतना आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इतना ही करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है इतना ही सही है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो कट रहा है ये ना कट जाए। तो यहाँ पे आप फ्रेम जितना मर्ज़ी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको टिक करूँगा, अब देखें किस तरह से नज़र आ रहा है, अब भी क्लियर नज़र आ रहा है, पर इससे भी बेहतर हो जाएगा अभी, ये देखिएगा ये आप देखिएगा कितना क्लियर हो गया है। ये आप लोगों का अगर कीमती डॉक्यूमेंट्स है आप घर पे ये किसी में स्कैन करके रखना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी स्कैन करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अभी ओरिजिनल जो है ये था, ये इस तरह के था, अभी जो ये आ गया है डॉक्यूमेंट्स की तरह ये अब ऐसा आ गया है। तो ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर लूँ, टिक कर लूँगा, अब इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ब्लूटूथ पे शेयर करना है, या ईमेल करनी है, यानी कि किसी भी मैसेंजर पे मैं अगर शेयर करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 696 KB, यानी कि ये PDF फाइल में है, अगर आप यानी कि PDF फाइल में नहीं सेव करना चाहते, अगर आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं या वैसे नॉर्मल जैसे पिक्चर होती है वैसे सेव करना चाहते हो, ये नीचे आ रहा है सेव टू गैलरी, सेव टू स्टोरेज, आप प्रिंट भी ले सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, यानी कि आप PDF फाइल नहीं बनाना चाहते वैसे ये PDF फाइल बनती है। PDF आप लोगों को, जिन दोस्तों को पता है वो तो इस चीज़ को समझते हैं, जिन दोस्तों को PDF का नहीं पता, PDF में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जाता है, जैसे ही आप पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है वैसे ही दूसरे बंदे के पास प्रिंट में मिलेगी जहाँ पे आपने भेजनी है। तो चलो चलते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और कहाँ से ये मिलेगी, ये एप्लीकेशन है दोस्तों।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है लाल कलर का, इसको आप प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करनी है आप लोगों ने, सिंपली चले जाना है प्ले स्टोर में। अब इसके भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं मैंने जो बताए हैं, ये आप कैमरे से भी इस वैसे कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है क्लियर स्कैनर। तो यहाँ पे आप बैक पे चला जाते हो, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ प्ले स्टोर में। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर पे क्लिक किया, प्ले स्टोर में लिखूँगा क्लियर स्कैनर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों आ गया है। अभी इसको देखें दोस्तों, 10 मिलियन बंदे यूज़ कर रहे हैं। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बंदा यूज़ कर रहा है इसको। इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये नीचे कैमरा बना हुआ है, यहाँ पर साइड पर पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चला जाएगा ये। अब गैलरी में से पिक्चर कोई उठानी है तो नहीं, अगर तो आपने उठानी है, अगर कैमरे पे बनानी है तो यहाँ पे आप जैसे कैम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों जैसे इस पे लेकर आएंगे स्कैनर पे, अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये है, ऐसे मैंने पिक्चर बनाई है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये इतनी अच्छा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप जैसे ही इसको आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, आप देखेंगे इसको इसी रिज़ल्ट जो आपका, आप देखें कितना खूबसूरत हो गया। अब इसको जूम करके देखें ये कितना बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब ब्रीक उर्दू भी जीत हुई। अब जब बैक पे जाते हैं तो ये इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी, आप देखें। अब यहाँ पे जो वैसे जूम नहीं हो रहा, अब वैसे नज़र नहीं क्लियर आ रहा। दोस्तों, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।